नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि दिन भर थकने के बाद आपको घर का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर आपको आराम मिलता है, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हमारा बेडरूम, यानी हम जहाँ पर सोते हैं। दोस्तों, बेडरूम घर का वो हिस्सा होता है जहाँ दिन भर की थकान के बाद व्यक्ति आराम महसूस करता है और नींद पूरी करता है। लेकिन अगर बेडरूम की दिशा, बेडरूम में रखा सामान और सोने की दिशा वास्तु के अनुरूप ना हो तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलेश, कलह, आर्थिक संकट और खासकर सेहत संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। घर के बेडरूम में वास्तु दोष होने से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखकर घर में आप पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर हम बेडरूम में ऐसी क्या चीजें रखें जिससे हमारे बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आए। दोस्तों, आप बेडरूम में पौधे लगा सकते हैं। जी हाँ, वास्तु के हिसाब से बेडरूम में पौधे लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर बेडरूम में कोई भी जीवित चीज जैसे कि पौधे अगर लगाए जाए तो ये आपके वैवाहिक जीवन में तो मधुरता लाते ही है, साथ ही आपकी सेहत को भी बहुत फायदा मिलता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर कोई पौधा लगाना है अपने बेडरूम में तो आप लेवेंडर का पौधा लगा सकते हैं। लेवेंडर प्लांट भी वास्तु के अनुसार बेडरूम के लिए अच्छा माना गया है। ये पौधा देखने में भी खूबसूरत होता है और इसकी मनमोहक खुशबू से कमरे का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। लेवेंडर के पौधे को आप बेडरूम के बेड साइड टेबल पर रख सकते हैं। लिली प्लांट, जी हाँ, कपल बेडरूम के लिए लिली प्लांट को भी वास्तु में शुभ माना गया है। लिली प्लांट सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। इस पौधे से पॉजिटिविटी आती है और व्यक्ति को नींद में बुरे सपने भी नहीं आते। मनी प्लांट, जी हाँ, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जो सामान्यतः यानी कि जो अमूमन हर घर पर पाया जाता है। इस पौधे को न्यूनतम देखभाल की जरूरत पड़ती है। मनी प्लांट मिट्टी और पानी में कहीं भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस पौधे को जहाँ भी लगाते हैं उस स्थान की खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर चाहे वो बालकनी हो या फिर बेडरूम। आप बेडरूम के किसी नुकीले कोने के पास मनी प्लांट का पौधा रख सकते हैं। इससे पति पत्नी के बीच चल रहा तनाव भी मुक्त होता है। दोस्तों, बैम्बू प्लांट यानी बांस का पौधा, जी हाँ, बांस के पौधे को भाग्यशाली का प्रतीक माना गया है। इसे न सिर्फ वास्तु बल्कि फैंगशुई में भी शुभ पौधा माना जाता है। इस पौधे को कपल बेडरूम में रखना सबसे अच्छा होता है। आप इसे बेडरूम में कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैम्बू प्लांट लगाएं तो इसे दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट कोने में ही रखें। इस पौधे के लिए ये दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है और तभी इसका असर भी होता है। और दोस्तों, अगर हम पौधे अपने आसपास लगाते हैं तो हमें सेहत में भी काफ़ी फायदा मिलता है। आपको बता दें, पौधे जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जहाँ भी हम पौधे लगाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर हम अपने आसपास पौधे लगाएंगे यानी अपने बेडरूम के एरिया में पौधे लगाएंगे स्पेशली, तो हमें इसका वास्तु लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हमें सेहत में भी फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, एक और चीज़ है जो हमें बेडरूम में हमेशा रखनी चाहिए और वो है जलता दिया। दोस्तों, पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा अपने घर में एक कोने पर जलता हुआ दिया रखते थे, लेकिन अब ऐसा घरों में देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अगर कोई चीज़ करते थे तो उनके पीछे एक फैक्ट होता था, उनके पीछे एक रीज़न होता था। जलता हुआ दिया अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर आप आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं तो अगर आप रात के टाइम अपने बेडरूम में जलता हुआ दिया, वो भी सुरक्षित तरीके से जलाएं, तो वो आपको आर्थिक तंगी से भी उभारने में मदद करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जलता हुआ दिया हम बेडरूम में हमेशा तो जला नहीं सकते,
अब इसका क्या उपाय है? देखिए दोस्तों, बस आपको करना ये है कि आप जब भी अपने बेडरूम में सोने जाएं, यानी रात के वक्त, तो उस दिए में तेल डाल दें या मोम डाल दें और उसे जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत ही सुरक्षित जगह आपको इसे रखना है, जहां पर कोई खतरा ना हो, और इसे रात भर जलने दें। हर रात ऐसा करें तो देखिएगा ये आपके लिए कैसा शुभ साबित होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया ऐसी क्या दो चीज़ें हम अपने बेडरूम में रखें जिससे हमें पॉजिटिविटी तो मिले ही, साथ ही हमारी सेहत को भी फ़ायदा मिले, और हम अगर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो उसका भी सामना हमें ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।